तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। डिस्कस किया हम पावर बीआई की एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पावर बीआई की हमारी एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और पावर बीआई में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर पावर बीआई में सीखने से पहले क्या क्या जरूरत है। तो पावर बीआई जो कि हमने इससे पहले पावर बीआई के बारे में इंट्रोडक्शन में अपना दे दिया था, तो चलिए हम पावर बीआई को ओपन करते हैं और एक सिंपल सा रिपोर्ट हम आपको बना के दिखाते हैं और फिर हम बताते हैं कि कोर्स के अकॉर्डिंग हम पहले एक्सेल का पार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें आपने कोर्स में देखा होगा एक्सेल का पार्ट है पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल, पावर क्यूरी वगैरह वगैरह। तो उन चीज को करेंगे, लेकिन उसकी जरूरत क्या है पहले हम इस चीज के बारे में जान लेते हैं, फिर उन चीजों पे अगली हमारी दो क्लासेस हम एक्सेल के पार्ट को करेंगे। और हमारे साथ जयदीप जी हैं और अमित जी हैं। तो जैसे कि पावर बीआई का यूज होता है क्विकली एक डायनेमिक एंड एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स बनाने के लिए किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि इजीली किसी भी डेटा को एनालिसिस करके एक विजुलाइजेशन को तैयार किया जाता है। ये हमारा पावर बीआई का काम है और इसके बारे में हमने आपको लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। और पावर बीआई का सॉफ्टवेयर, जयदीप जी आपने पावर बीआई के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है? हाँ जी सर, कर लिया डाउनलोड। ओके, पावर बीआई के लेकिन सॉफ्टवेयर सर डाउनलोड कर लिया है और पावर बीआई के सर आपने आईडी क्रिएट किया? नहीं सर, आईडी क्रिएट नहीं किया, लेकिन एक दिक्कत है, डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करना है ना। हाँ ओके सर, वो डाउनलोड कर दिया, क्रिएट नहीं किया है। हाँ क्योंकि ये 6 महीने के लिए आपको फ्री है तो इजिली ओके हाँ कर सकते हैं, ताकि 6 महीने तक तो आप आसान से सीख सकते हैं ना। हाँ सर ओके, हाँ आपके पावर बीआई के आपका डेस्कटॉप ओपन होता है तो इसमें पहले हमने लॉगिन कर रखा है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको वहां पे लॉगिन करने का ऑप्शन देगा या लर्न मोड का ऑप्शन देगा, लेकिन जैसे ही लॉगिन करने के बाद भी आप खोलेंगे तो आपके सामने दिखेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ सैंपल्स रिकॉर्डिंग्स होंगे आपको पावर बीआई के। पावर बीआई की ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह भी अवेलेबल है तो आप इसके ट्यूटोरियल से भी बहुत सारे चीजों को सीख सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्या है, सबसे पहले व्हाट्स न्यू है, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो पावर बीआई की साइट खुलेगी और पावर बीआई की साइट पे इससे रिलेटेड जो ब्लॉग्स है वो ब्लॉग आपको दिख जाएगा। ऐसे फोरम है आपका, तो फोरम में जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो ये पावर बीआई की एक ऑफिशियली फोरम है जहां पे बहुत सारे जो ये होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारे जो प्रोफेशनल होते हैं इनके साथ जुड़े होते हैं और इस पे जाके आपको अपने क्वेश्चन के आंसर सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्वेश्चंस को पुट कर सकते हो और जैसे कोई आंसर करेगा रिप्लाई करेगा आपको वहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा और रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देख लिए उन्होंने किया हुआ है तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन वगैरह भी आप पूछ सकते हो इसकी फॉरम पे जाकर। दिख रहा है आपको, और इस पे 10 लोगों ने रिप्लाई किया। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पे पावर बीआई की ब्लॉग्स है और ये आपकी पावर बीआई की ट्यूटोरियल्स है जहां आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं। तो ये चीज तो छोटी सी चीज है। अब बात करते हैं गेट डेटा पे। गेट डेटा, उससे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि हमने बताया था जैसे टैबलू की तरह ए भी है या पिवट की तरह है जिसका खुद का डेटा नहीं होता है, हमें कहीं से डेटा ला के रखना पड़ता है। ठीक है, तो किसी डेटा का प्रीव्यू होता है तो इसमें डेटा लोड करना पड़ेगा। तो टैबलू की तरह जयदीप जी यहां भी बहुत सारे डेटाबेसेस से डेटा को लोड कर सकते, लेकिन बिल्कुल एक्सेल की तरह ही होता है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक्सेल में आप डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस पे क्लिक करते हैं ना, तो उसी तरह का यहाँ पे इंटरफेस आता है बिल्कुल। तो
तो मैंने एक डेटा को यहां पे लोड कर लिया। अब यहां पे बहुत सारे डेटा है, कौन से डेटा शीट चाहिए आपको, उस डेटा शीट को आप क्लिक कर लीजिए। जैसे मुझे डेटा शीट चाहिए, अपने डेटा को एक बार देख लीजिए कि डेटा सही है। लेकिन सिलेक्ट करने से भी आपको यहां लोड पे नहीं आ रहा है, लेकिन लोड करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं इसको लोड करता तो ये हमारा डेटा लोड हो गया। तो डेटा यहां पे तीन व्यू है, ये आपका रिपोर्ट व्यू है, ये आपका डेटा व्यू है, और कई सारे डेटा लोड कर सकते हैं। तो यहां पे आपका डेटा का डायग्राम व्यू है, जहां से आप कई सारे डेटा को लोड करने के बाद आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज हम बाद में सीखेंगे, हम वापस चलते हैं रिपोर्ट व्यू पे। तो हम एक क्विकली रिपोर्ट बनाना आपको चाहते हैं, तो मेरे पास जो भी डेटा है वो डेटा यहाँ पे आ गया, जो भी फील्ड था पिवट की तरह, और फील्ड में आप देख रहे हैं जिसपे ई का सम ऑफ का साइन लगा हुआ है, जिसे सम ऑफ का साइन कहते हैं, इसका मतलब है कि वो नंबर्स हैं। जिसमें कुछ ही लगा है वो आपका टेक्स्ट है, और जिसमें कैलेंडर का साइन है वो आपका डेट का फील्ड है। तो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसके अंदर कौन सा डेटा है। तो मुझे अब चलिए यहाँ पे कुछ डेटा का हम ये निकालते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टोटल, यहाँ पे, और हमने इसको ए वाली चार्ट ले ली और यहाँ पे इसको फिट कर देते हैं। अब मुझे जहां पे चाहिए वहां पे क्लिक करना, अगर मैंने इस पे क्लिक करके ही आपको विजुलाइजेशन चेंज कर दिया तो इस पे ही हो जाएगा। अब मैं एक और चार्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे आ गया, इसको उठा के अपने जगह पर रखिए। टैबलू में फीचर नहीं है लेकिन यहाँ बहुत अच्छी फीचर है। अब मुझे इस पे मान लीजिए क्वांटिटी को डालना है, ये हमारा क्वांटिटी हो गया। उसके बाद इसमें हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट एंड हमने क्वांटिटी कितना कंट्रीब्यूशन है, और इसको हम यहाँ पाई चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये साइड में यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए, छोटा करना है, छोटा छोटा। इस पर क्लिक करेंगे तो बड़ा भी हो जाता है, बैक टू रिपोर्ट पाते हैं। उसके अलावा एक और मैं कॉलम चार्ट भी लेता हूँ, और यहां हम इसको प्रोडक्ट वाइज हो गया, क्लाइंट वाइज कर देते हैं, क्लाइंट वाइज रेवेन्यू। इसको बड़ा करना चाहे तो मैं बड़ा कर सकता हूँ, छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अब एक मैप भी ले लेता हूं मैं, तो यहां पे मैं स्टेट वाइज स्टेट बाय स्टेट बाट में मान लीजिए मैं क्वांटिटी रेवेन्यू ले लेता हूं, या क्वांटिटी भी ले सकते हैं, क्वांटिटी ले लेता हूं स्टेट वाइज। इसको बड़ा करना चाहे तो मैं बड़ा भी कर सकता हूं। तो ये मैप है, bing.com से ये आया हुआ है मैप। इसमें अगर मैं स्टेट के साथ अगर मैं सिटी करता हूँ, यहाँ पे सिटी भी होगा, हाँ तो सिटी भी यहाँ पे आ गया, और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जूम भी हो जाता है। तो जूम रखना चाहो तो जूम भी आप रख सकते हैं। और इसकी लेयर्स वगैरह है तो इसके बारे में हम आगे क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक और चार्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको,
ट्री मैप चार्ट। तो ट्री मैप चार्ट लेते हैं और इस पे हम करते हैं सिटी बाय टोटल या स्टेट बाय टोटल कर लेता हूं। स्टेट बाय हम क्वांटिटी कर देते हैं और इसको भी हम इसको यहां से ट्रैक कर देते हैं। तो टॉप स्टेट हमारा यहां पे आ गया। लेकिन रिपोर्ट तो हमने बना ली, लेकिन रिपोर्ट का हमने अभी तक कोई ये नहीं किया है, मतलब कि यहां पे इसका टाइटल नहीं लिखा दिया है। ठीक है, आ गया। ये पे लास्ट है और इसके बाद मैं यहां पे अपना टाइटल के लिए टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स के यहां डाल देता हूं यहां टाइटल, यहां पे मंथली सेल्स डैशबोर्ड। इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ, इसको अंडरलाइन करता हूँ और बोल्ड करता हूँ। अब इस रिपोर्ट को हम पब्लिश कर सकते हैं। रिपोर्ट आपका तैयार है, पब्लिश। डू वांट टू सेम चेंज? यस। अब इसको आप पावर पॉइंट के इसमें हमने बोल दिया सेल्स डीएस के नाम से। आपका रिपोर्ट बन गया। ये आपका माय वर्कशीट सिलेक्ट। अब इसका रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है वेबसाइट पे। साइन इन मुझे इस पे जाके साइन इन करने पड़ेंगे। रुक जाइए, इसका पासवर्ड ही भूल गया मैं। तो ये रिपोर्ट हमारी बन गई है। अब इस रिपोर्ट को हमने हमने अपने आईडी पे पब्लिश कर दी है, वहां से हम किसी को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या उसके अलावा हमने जो फाइल बनाई है उस फाइल को हम भेज सकते हैं, या फिर इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में।
आप चाहेंगे कि आपकी रिपोर्ट्स एक्सेल फाइल में हो जाए तो एक्सेल फाइल में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि एक्सेल में नहीं वर्क करते, इसलिए एक्सेल में एक्सपोर्ट नहीं होगा। हाँ, इसको आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने पे क्या होगा कि आप रिपोर्ट को देख सकते हैं लेकिन इसमें फिल्ट्रेशन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया जयदीप जी एंड अमित जी? हाँ सर, हाँ जी सर। तो इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि रिपोर्ट को आप खाए तो पीडीएफ में या फिर रिपोर्ट को आप वेब के जरिए शेयर कर सकते हैं। तो वेब के जरिए शेयर करने में क्या होगा कि फिल्टर, जैसे मान लीजिए ना कि मैंने, मुझे मान लीजिए कि सबसे ज्यादा त्रिपुरा में सेल है, दिख रहा है आपको, केरला में है, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश, तो मुझे उत्तर प्रदेश का सेल्स का अकॉर्डिंग देखना है। तो उत्तर प्रदेश के सेल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा पूरा डेटा उत्तर प्रदेश की सेल के अकॉर्डिंग हो गया, दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 201K का 221K का सेल्स है, 6828 का इसका क्वांटिटी है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ किस किस शहर में है यहाँ पे डॉट्स दिख रहा है आपको, तो आगे चल के बड़ा करना सिखाऊंगा मैं, और इसकी जो कौन कौन से कस्टमर्स है उनका हो गया। इस तरह के जो फीचर्स है ये फीचर्स आपके पीडीएफ में नहीं आते हैं, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज में इस तरह के फीचर्स आ सकते हैं, समझे? अब हम बात कर रहे थे आपके साथ कि आखिर हमें क्यों जरूरत है एक्सेल के पार्ट को करने का। जैसे सबसे पहले देखिए कि आपका ये जो ये दिख रहा है ये पी आपका पिवट जैसा ही है, तो थोड़ी सी पिवट की नॉलेज हो ठीक ठाक तो इसका चल सकता है। दूसरा, इसमें आपके सामने ये है आपका क्यूरी है, एडिट क्यूरी पे क्लिक करते हैं तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी एडिटर खुल के आता है, तो इसको आप यहां भी सीख सकते हैं, लेकिन एक्सेल पे सीखने में थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल आप जानते हैं, पावर बी को भी जानना शुरू किए हैं, बट एक्सेल को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, समझे? तो इसलिए आपको वहां उसके पावर उस पे आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगा। तो जो कैलकुलेशंस है, रिलेशनशिप्स है, वो सारी चीज हम यहीं पे करेंगे, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का ऑनलाइन जो हमने लिया हुआ है वो खुल के आ गया हुआ है। अब इस रिपोर्ट पे हम, इस पे रिपोर्ट हमने बनाया था, ये रिपोर्ट हमारा खुल के आ गया, दिख रहा है सर? जी। और ये पूरा फीचर्स ये पीडीएफ नहीं है सर, लाइव है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए दिख रहा है आपको सर? अब मैं, अगर मुझे इसको किसी के साथ शेयर करना है तो इसको हम शेयर भी कर सकते हैं, व्यू करेंगे। जैसे मैं मान लीजिए आपने रिपोर्ट पे कोई चेंज किया तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और मैं इसको शेयर करता हूँ। अब ट्राई फॉर फ्री 16 इंच, अच्छा शेयर करने के लिए आपके पास होना चाहिए तो लाइसेंस वर्जन आई थिंक यूज होगा। ठीक है, इसको शेयर कर देंगे तो कोई भी पर्सन को शेयर देख सकता है, वो शेयर पे क्लिक कीजिए, अपना नाम देख सकता है। ये आपका रिपोर्ट देखने का तरीका है। तो शेयर जो करेंगे सर उसकी भी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी पर ही शेयर कर सकते हैं ना? नहीं नहीं जीमेल का आईडी पे चला जाएगा। तो वो जीमेल पे अगर गया तो वो लाइव वो रिपोर्ट चेंज कर सकता है या कुछ कर सकता है वहां से? सर इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ रिपोर्ट कहती है कि जब शेयर होगा तो जैसे ड्राइव जैसे ड्राइव सिस्टम होता है उस सिस्टम से थ्योरी जो हाँ। जो पढ़ा है मैं ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं होगा, मैं बोलता हूँ मैंने इसको कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है। अच्छा 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 लेकिन पॉसिबल ये आपका थ्योरी कहता है क्योंकि ड्राइव के लिए जाएगा, गूगल ड्राइव में फाइल कैसे शेयर करते हैं सेम हाँ वही प्रोसेस शेयर होगा आईडी पे, तो उस पे हो सकता है।
और माइक्रोसॉफ्ट आईडी के जरिए भी वो शेयर करेगा तो ठीक है, यहाँ पे शेयर विद मी आपके साथ किस किसने शेयर किया है उसका डिटेल आ जाता है, ड्राइव मिल जाता है, ठीक है। इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका सर्वर पर, उसका माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर ही रहेगा ना ये तो? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पर रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्पेस आपको दे दिया है। ओके, हाँ ठीक है। और टैबलू भी सेम होता है सर। अब एक छोटा सा क्वेरी था सर ये, अगर मैं एक्सेल में जैसे कि मल्टीपल पेजेस हम उसमें बनाते हैं, 4-5-6 पेज हमने एक्सेल में अटैच किया हुआ है उसमें, तो जब हम यहाँ डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं इस पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के उस पर प्लेटफॉर्म पर, तो वो सारे पेज आते हैं या फिर कोई एक फर्स्ट वाला पेज जैसे कि सीएसवी वाला फंडा होता है, सीएसवी में सिर्फ सिंगल पेज ही आप ले सकते हैं? नहीं 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 उसमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट से आप डेटा लेंगे ना, बोल रहे हैं आप एक्सेल की बात कर रहे हैं? जैसे कि मेरे पास एक मेरे डेस्कटॉप पर एक एक्सेल सीट पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें 5-5 पेज है, 5 शीट्स है। हाँ, 5 शीट्स हैं। अब मैं उसमें गेट डेटा के थ्रू जब मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पावर बी आई, तो आपने देखा नहीं था चेक बॉक्स सिस्टम था, जितने बॉक्स चेक बॉक्स पे जितने शीट्स के ऊपर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे उतना सीट ऐड होगा वन बाय वन, वो सारे शीट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक सर, ठीक। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अब हम आपके स्टार्ट करते हैं एक्सेल का पार्ट। तो जैसे कि हमने आपसे बातचीत की थी, पिवट टेबल तो मोस्टली आप लोगों को आता ही है, एक बार मैं पिवट टेबल को ओवरव्यू दे देता हूं। अब मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं एक्सेल का पार्ट, ठीक है जी। तो एक दो क्लासेस अभी एक्सेल की पार्ट चल रही है, हम पावर बीआई के बारे में जानेंगे क्योंकि थोड़ी सी चीजें ऐसी है जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है। ये मत सोचिएगा सर ने पावर बीआई का काम बताया एक्सेल चलिए तो एक्सेल का हम बात करते हैं पिवट टेबल, क्योंकि हमने देखा कि पिवट टेबल के जैसा ही है पावर क्वेरी, पावर पिवट रिलेशनशिप, ये सर आपको एक्सेल में समझने में बेटर होगा, उसके बाद हम उसको पावर क्वेरी पे समझेंगे। जयदीप जी आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आपको टैबलू में भी ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टैबलू में तो सेम है ना सर, आगे चलकर रिलेशनशिप वगैरह भी वहां पे करेंगे ना, हाँ हाँ वहां भी बेनिफिट हो जाएगा सर। एक फाइल हमने ओपन किया है और हम सीखने जा रहे हैं पिवट टेबल। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप पिवट टेबल सीखते हैं तो पहले जानिए कि पिवट टेबल का यूज क्या है, पिवट टेबल का आखिर यूज क्या है। तो उससे पहले हम जानते हैं रिपोर्ट्स कि रिपोर्ट्स क्या होता है। रिपोर्ट्स होता है समरी ऑफ द डेटा, किसी डेटा को किसी एक एंगल पे समराइज करना ही रिपोर्ट कहलाता है। चाहे आप ऑफिस में रिपोर्ट चाहे जिस चीज का बनाता हो उसका मेन तो उसका ये होता है ना, क्या बोलते हैं, समराइज ही चाहिए, समराइज ही होता है ना। तो पिवट टेबल को भी हम यूज करते हैं डेटा को समराइज करने के लिए, क्योंकि पिवट टेबल का अगर आप डेफिनेशन सुने तो सिंपल है, वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड शेयर द डेटा। तो समराइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो पिवट टेबल में सबसे पहले जानना है कि आपका डेटा क्या है और आपको करना क्या है। तो बेसिकली ये सेल्स डेटा है कि किस डेट को किस कस्टमर्स को किस स्टेट किस सिटी में कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी किस रेट से टोटल क्या हुआ टैक्स क्या हुआ और कितना रेवेन्यू पे उसको बेचा है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट चाहिए, जैसे मुझे पहले चाहिए प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी का से, ओके। तो हमने इस पे इंसर्ट पे गए, पिवट टेबल लगाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी है कि नहीं इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका डेटा बीच में कहीं ब्लैंक है, जैसे यहां पे ब्लैंक है ना, अगर बीच में कहीं ब्लैंक है तो थोड़ी सी दिक्कत है, ओके।
क्योंकि फिर पिवट टेबल जो है इसके ऊपर का ही डेटा ले लेगा, इसके नीचे का डेटा भी नहीं जाएगा। सो डेटा में अगर कोई ब्लैंक नहीं है तो बिना सिलेक्ट किए पिवट टेबल यू पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे ब्लैंक है तो शुड बी सिलेक्ट द डेटा। तो हम डेटा को सिंपली सिलेक्ट कर लेते। दूसरा याद रखिएगा, कोई हेडिंग जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अगर हेडिंग ब्लैंक हुआ तो पिवट टेबल आपका लगेगा ही नहीं। फिर ओके करते हैं। फिर इसमें हमें कुछ नहीं किया, जैसे आपने पावर बीआई में देखा कि हमें फील्ड को उठा के बस रखना है, सेम यहां भी फील्ड को उठा के रो एंड फील्ड रखना, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूं कि पिवट हो, पावर पिवट हो या पावर बीआई हो, वो सारे के सारे बने किस पे है, सबका बेस इसका आपका पिवट टेबल है। पिवट टेबल को ही ध्यान में रखते हैं उसको, वो उसको बनाया गया है। तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट बाई टोटल क्वांटिटी, तो हमने लिया और यहां पे लगा दिया। आप बोलेंगे सर दो चीजें, पहली चीज पिवट टेबल में तो उसमें पावर बीआई में तो विजुलाइजेशन था, तो आप भी यहां पे पिवट टेबल में जाएंगे तो आपके सामने पिवट चार्ट दिखेगा और यहां पे आप अपना विजुलाइजेशन जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके फॉर्मेट, यहां पे इसकी फॉर्मेट्स है, इसकी फॉर्मेट डिजाइन में जाकर इसके डिजाइन है, आप इसकी अपने हिसाब से डिजाइन को भी चूज कर सकते हैं। दूसरा, क्या इसकी हेडिंग को चेंज किया जा सकता है? ऑफकोर्स किया जा सकता है। मैं इसको यहां पे प्रोडक्ट लिख देता हूं और यहां पे क्वांटिटी है तो यहां पे टोटल QTY कर देता हूं। ओके, और ये आपका बन गया। अब इसको आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी आती है पिवट की फॉर्मेटिंग। पिवट की नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप यहां से कर सकते हो, यहां पे बहुत सारे नॉर्मल फॉर्मेटिंग है, इसको आप यहां पे कर सकते हो। बट अगर आपने फॉर्मेटिंग किया और आपका डेटा अगर चेंज होता है, आपने फॉर्मेटिंग किया और आपका डेटा चेंज होता है तो आपका पिवट चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली फॉर्मेटिंग और पिवट की कोई रोल नहीं। जैसे मान लीजिए आपने पिवट की फॉर्मेटिंग अभी 11 तक किया, तो के डेट में 15 तक हो गया, तो आपकी फॉर्मेटिंग तो 11 तक का ही ना। तो कहां से करेंगे फॉर्मेटिंग? तो यहां पिवट टेबल के डिजाइन वाले पार्ट में जाएंगे तो यहां डिफरेंट डिफरेंट की फॉर्मेटिंग है, आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग पिवट का पार्ट है और ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। ओके, अब चलिए कुछ और करते हैं। हम वापस डेटा पे जाते हैं। अब मुझे रिपोर्ट बनानी है, मैं यहां से पिवट टेबल पे आता हूं और यहां मान लीजिए कि मुझे पर्सन वाइज स्टेट वाइज यहां से क्वांटिटी का टोटल चाहिए, यहां से रख सकते हैं। तो आप अगर कॉलम में डेटा रखते हैं तो ठीक है। अब यहां पे कॉलम में डेटा रखने का पर्पज क्या बताया मैंने, क्योंकि आपने कॉलम में डेटा रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि अगर कल के डेट में आपके डेटा काफी बड़ा है, काफी ज्यादा है, तो क्योंकि कॉलम की एक लिमिटेशन है, तो कॉलम कम होते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में अपने आपने स्टेट को किस में रखना है, यहां नीचे, ठीक है, स्टेट को नीचे रखना है। लेकिन छोटी सी दिक्कत यहां पे आ गई,
दिक्कत छोटी सी क्या आ रही है इसमें कि इसमें ये एक ही कॉलम पे, दोनों अलग अलग कॉलम पे होने चाहिए। तो मैंने इसको राइट क्लिक स्पेस पे, राइट क्लिक नहीं, यहाँ डिजाइन पे भी जाया कर सकता हूँ, राइट क्लिक से भी कर सकता हूँ। यहाँ देखिए सो टेबल फॉर्म हमने कर दिया, तो ये अलग अलग कॉलम में आ गया। अब मुझे अगर डेटा चाहिए, तो मान मुझे पता करना है कि भी पूजा ने आंध्र प्रदेश में 162 का सेल किया है, आखिर है क्या। तो इस पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा, तो डबल क्लिक करते ही यहाँ पे रिपोर्ट्स आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां पे डबल क्लिक करने से या फिर राइट क्लिक करके भी आपको यहां पे दिख जाता है शो डिटेल्स। तो ये आपको एक नई शीट में डेटा को कॉपी करके डाल देता है। अब यहां पे दिक्कत और है कि इस डेटा को उठा के ले जाए, तो यहां पे देखिए ब्लैंक। मैं चाहता हूं कि पूजा इस पे रिपीट हो जाए, पूजा जो है इस पे रिपीट हो जाए। तो क्या करेंगे हम, यहां पिवट टेबल के डिजाइन वाले पार्ट में चलेंगे और यहां रिपोर्ट लेआउट में रिपीट और आइटम लेबल दिख रहा है, ये कर लेंगे।